गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम अपने ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। पाठ का नाम आपके हमारी बदलती पृथ्वी है। आप सभी अपनी अपनी बुक्स खोल लें। पेज नंबर 12 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के कंप्लीट हो गए तो मेरे पास भेज सकते हैं अपना वर्क दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे पाठ का नाम हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो मुख्य रूप से ये रहेगा कि हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें बहुत सारे चेंजेस दिन प्रतिदिन या वर्षों में दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी की जो स्थल भाग है वो बहुत धीमी गति से गतिमान है या चलायमान है। इसके अंतर्गत कौन कौन से बल कार्य करते हैं ये सब अध्ययन इस वाले चैप्टर के अंतर्गत आपको कराया जा रहा है। हाँ तो बच्चों अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत पहले अपन थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभक्त होता है। स्थल मंडल जहाँ पर हम निवास करते हैं। हमारी पृथ्वी पर दो मंडल पाए जाते हैं, एक जल मंडल और दूसरा स्थल मंडल। स्थल मंडल पर जीव और जंतुओं का या हम मानव प्रजाति का निवास होता है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभक्त है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें भी कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, मतलब ये प्लेटें चलायमान होती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, फिर से पढ़ रही हूँ इस लाइन को, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा स्थल मंडलीय प्लेट जो है वो चलायमान होती है या हमेशा बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है वो पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है या बहुत अधिक गर्म अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्त मतलब सर्किल, सर्किल मतलब गोला, गोल आकार में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में भी दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर अपन फिर से क्रियाकलाप साइड में दिया हुआ है आपके, उसका अध्ययन आपको कराते हैं। पहले क्या आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली को बनाइए या लीजिए और इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दीजिए। बीकर से मतलब कोई भी बर्तन में रख लीजिए, चाहे भगोना हो भगोनी हो। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। तिपाई से मतलब गैस के ऊपर रखकर भी आप गर्म कर सकते हैं। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर की ओर उठने लगती है और ठंडे पानी की परतों के साथ वह गोली नीचे बैठती जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार से गति करता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है बच्चों वो बहुत अधिक गर्म होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो भूप्रपटी है, जो स्थल भाग है, वो क्या होता है, ऊपर की ओर चलायमान होता है या गतिमान होता है। आगे बढ़ते हैं फिर से अपन यहाँ पर